नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे लोन वारंटी अभियान से प्रभावित होकर 2 लाख के इनामी 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी दरभा डिवीजन अंतर्गत कटे कल्याण केरलापाल और मल्लांगे एरिया कमेटी के सक्रिय थे। आपको बता दें, लोन वारंटी अभियान के तहत अब तक 202 इनामी सहित कुल 877 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर रेंज आईजी श्री सुंदरराज सर एलकेएस, दंतेवाड़ा रेंज डीआईजी श्री कमलेश्वर सर, दंतेवाड़ा एसपी श्री गौरव राय सर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 8/10/2024 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत और दंतेवाड़ा जिला के द्वारा चलाया जा रहा लोन वारंटी अभियान से प्रभावित होकर 4 माओवादी आज आत्मसमर्पित करने के लिए आज जिला मुख्यालय आए हैं। उनका नाम है कोसा माडी उर्फ बुर्का, दरबा के दरबा में रहने वाले हैं, कटेगलियन के रहने वाले हैं, और 4 जनवरी उर्फ शंकर पुड़िया नैना कटेगलियन के रहने वाले हैं। ये दोनों 2 लाख के इनामी हैं। और तीसरा हांदा उर्फ जोड़ी माडी गुट से आरपीसी डीए में सब्जेक्ट से 1 लाख इनामी है, और पुज्जे नुको रेवाली पोदुम आरपीसी के में सब्जेक्ट से 1 लाख इनामी है। ये चारों आत्मसमर्पित करने के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय आए हैं। जो कोसा मार्गी है वो कई घटनाओं में शामिल था, जैसे आत्मसमर्पित माओवादी लोकेश को नॉन मैनेजमेंट पिस्टल से 2020 में मारा गया था, उस वाले घटना में भी शामिल था। और जन अदालत लगाकर जो मारपीट करने वाले काफी मामलों में ये शामिल था। साथ ही साथ ये जनवरी जो है 2023 में गोविंदा डोमिन पार और सीमेल में हुए मुठभेड़ों में भी काफी सक्रिय रहा। ये लोग आज हमारे सामने आके आत्मसमर्पित किए और इनको शासन के द्वारा दिए जाने वाले सभी पुनर्वास नीति के तहत जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो सब दिया जाएगा, और 25,000 का कैश और अन्य सुविधा भी तुरंत उपलब्ध किया जाएगा। आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज की आरएफटी असूचना शाखा और 111-231 सीओ सर का विशेष योगदान रहा है। और बस्तर में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर डबल कामयाबी मिली है। जहां एक तरफ नक्सल ऑपरेशन में माओवादियों का सफाया हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई माओवादी अब लाल आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं। बस्तर में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और यहां एक इनामी सहित 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें, सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। 1 लाख के इनामी नक्सली पांडू का सरेंडर चारों नक्सलियों ने बस्तर में एसपी शलभ सिन्हा के सामने किया है। और इसी के साथ साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में पांडू है, कि 2014 से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने और सड़क निर्माण को नुकसान पहुंचाने की घटना में भी शामिल रहा है, और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था। तो देखिए, नक्सल मोर्चे पर डबल कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, और इस बीच ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां आपको बताते चले कि नक्सल ऑपरेशन में माओवादियों का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है, जिसमें एक इनामी सहित 4 नक्सलियों का सरेंडर सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी अभियान चलाया जा रहा है नक्सलों के खिलाफ, अब वो पूर्ण रूप से जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो एक इनामी नक्सली था, अब उसने सरेंडर कर दिया, और इस इनामी नक्सली के अलावा 4 जो है नक्सलियों ने और सरेंडर कर दिया है। अब कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस के जो है तमाम तरह के एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखा जा रहा है, जिसके बाद से वो लगातार सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए ये पुलिस और आपको बताते चले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 4 नक्सलियों का सरेंडर सामने आया है, जिसमें एक इनामी नक्सली भी शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
चारों नक्सलियों की जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं जो अभियान है अब वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नक्सल मोर्चे पर डबल कामयाबी इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है और इस बीच आपको बताते चले कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी अराजक तत्व अराजकता ना फैला पाए और राजस्व में अब बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो अभियान नक्सलियों के खिलाफ आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अब उस पर एक्शन जो है वो जो लिया जा रहा था अब वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर अब खुद जो आरोपी है जो अपराधी है वो अब खुद सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखकर कहा जा सकता है कि उनके अंदर खौफ पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। और वही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, पुलिस ने पतगावा के पास घेराबंदी कर दो तस्करों से 41 लाख रुपए का 2 क्विंटल 20 किलो गांजा पकड़ा। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से कार, मोबाइल फोन और 1500 नकदी भी जब्त किया गया है। आपको बता दें गांजा तस्कर ओडिशा के ब्लागीर से मध्य प्रदेश के राजेंद्र ग्राम गांजा की तस्करी कर रहे थे। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर रा निवासी ग्राम प्रसाद यादव और सोनू पांडे को गिरफ्तार किया है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की यह एक माह में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इसी के साथ साथ 11 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो गौरेला पेंड्रा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 41 लाख रुपए की जब्त की गई है। बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, जहां पर आपको बता दें पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, जिसमें तमाम चीजों की बरामदगी की गई है। 41 लाख रुपए उसमें बरामद किया गया है। तो देखिए, दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता हाथ लगी। 41 लाख, 2 क्विंटल 20 किलो जो है ये गांजा बरामद किया गया है। माफ कीजिएगा, दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें गांजा की जब्त की गई, जिसमें गांजा की कीमत भी 41 लाख देखिए बताई जा रही है। 2 क्विंटल जो है गांजे की बरामदगी की गई है, जो कि पुलिस के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार पुलिस दबिश देते हुए नजर आ रही है और जो ये गांजा तस्कर है उसको पकड़ने के लिए धरपकड़ कार्रवाई की जा रही थी और इस बीच पुलिस को ये बड़ी सफलता बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शासन के निर्देश से लगातार गांजा तस्करों पे कड़ा प्रहार जीपीएम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ये इस महीने की तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें लगभग 2 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 41 लाख रुपीस है और बाकी गाड़ी बरामद की गई है और दो अंतर्राज्यीय तस्करों जिनका नाम राम प्रसाद यादव और सोनू पांडे है, अनूपपुर के स्थायी निवासी हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है और ये कंसाइनमेंट ओडिशा से होके छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों से होके फाइनली एमपी तक ये कंसाइनमेंट जा रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले महीने में लगभग 11 तस्करों को जेल भेजा गया है और 5 क्विंटल के लगभग गांजा बरामद किया गया है और लाखों के जो ट्रांजैक्शंस इनके बैंक अकाउंट्स में पाए गए हैं वो सभी आरोपियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। गांजे के साथ और क्या क्या चीज की जब्ती कार्रवाई की गई है? इस कार्रवाई में जो वाहन है, चारपहिया वाहन XL6 कार, उसकी जब्ती की गई है। मोबाइल फोन्स और कुछ नकदी कैश मिला है, वो जब्त किया गया है। कितने आरोपी हैं कुल? अभी जो कंसाइनमेंट के साथ में मिले हैं, दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी जो ओरिजिनली ये कंसाइनमेंट उड़ीसा से आ रहा था और अनूपपुर की और ये जाने वाला था, उस दिशा में विवेचना भी जारी है। कहाँ पर कार्रवाई हुई है? ये पेंड्रा थाना अंतर्गत करियाम, जो हमारा बॉर्डरिंग बिलासपुर बॉर्डरिंग इलाका है, वहीं पे कार्रवाई हुई है। और शहर के सिटी कोतवाली थाने में तंत्र मंत्र का झांसा देकर आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियों का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को हिंदू बताकर न केवल लड़कियों बल्कि लड़कों को भी जादू टोना सिखाने के नाम पर झांसे में लेता था। आरोपी का नाम साहिल खान बताया जा रहा है, जिसने खुद राजू सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बना रखा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में लव जिहाद, बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले दर्ज कर पुलिस आरोपी को
मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ साथ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया कि साहिल खान नामक युवक ने तंत्र मंत्र का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया है। बता दें कि 6 माह पहले आरोपी से पीड़िता की मुलाकात चाय टपरी पे हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को झांसे में लिया और इसी तरह आधा दर्जन ज्यादा युवतियों को भी तंत्र मंत्र सिखाने के नाम पर झांसे में लिया था। वर्धा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर जो है आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चले कि ये पूरा तंत्र मंत्र का विद्या सिखाने में एक युवक का लगातार जो है तमाम लोगों को झांसे में लेता हुआ नजर आ रहा था, जिस पर देखिए एक युवती सामने आई है और बताया जा रहा है कि उसके साथ शोषण हुआ है और अब वो जो है बयान देते हुए नजर आ रही, जिसके बाद से देखिए अब पुलिस इसको गिरफ्तार कर ले और आगे की कार्रवाई कर रही है। शारीरिक शोषण करने वाला गिरफ्तार हो गया लगातार, आप वो अपना नाम देखिए बदल कर जो है इस तरह के मंसूबों में कामयाबी को हासिल कर रहा था और इस बीच अपना एक फर्जी आधार कार्ड भी बना रखा था और इसी के साथ साथ जादू टोना के नाम पर लड़कियों को झांसे में लेता था और इसके अलावा न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी इस पूरे मकड़ जाल में फंसाता हुआ नजर आ रहा था, जिस पर एक युवती सामने आई और अब उसने बयान दिया, जिसके बाद से पुलिस तत्परता के साथ उस आरोपी को गिरफ्तार कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और भाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, बैठक की और बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और इसके अलावा कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक का मुख्य मुद्दा जो था वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया है कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किए जाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया है। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल से मुलाकात की है, विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है, वही अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की मौजूदगी और इसी के साथ साथ पीयूष गोयल की भी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है, जहां पर तमाम विकासात्मक कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के खुर्सीपार स्थित श्रीराम मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा पंडाल में जाकर माता की आरती की और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। आपको बता दें खुर्सीपार के अड्डा चौक पर स्थित श्रीराम मैदान में भव्य दुर्गा पंडाल का आयोजन किया गया है, जो कि भिलाई का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जिसके बारे में बताते हुए दुर्गा जन जागृति उत्सव समिति के अध्यक्ष डीकाम राजू ने बताया कि दुर्गा जी के पंडाल को बनाने बाहर से मजदूर बुलाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि दुर्गा माता की मूर्ति दुर्ग के थानौद से बनवाई गई है। और सभी जगह माता रानी विराजी हैं और सभी पंडालों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल सुपेला गया था, माँ गंगा आरती भी हुई और यहाँ भी आया माता जी की पूजा करना या किसी पार में, तो सब जगह इसी प्रकार का वातावरण, अभी कुमारी भी गया था, लगातार सब जगह जाओ और सभी श्रद्धालुओं के हर पंडाल में जहाँ जहाँ माता विराजी हैं सभी जगह हजारों लाखों की भीड़ है, सबको बधाई शुभकामनाएं। ऐसा है हमारे यहाँ दुर्गा पूजा समिति में सभी को निमंत्रण देते हैं कि आ जाए और क्या बोलते हैं अपना देखे और इंजॉय करे, तो उसी हिसाब से हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया था, तो ये उनका बड़प्पन है कि क्या बोलते हैं हमारी समिति में आकर के पूरे समिति के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किए और पंडाल और क्या बोलते हैं अंदर की व्यवस्था की बहुत तारीफ किए। कितने सालों से बैठा रहे, कहाँ से लाए मूर्ति? यह आयोजन विगत 5 वर्षों से लगातार चल रहा है और इसकी भव्यता दिनों दिन बढ़ते जा रही है और यहाँ की मूर्ति थनौद गाँव से लाई गई है और थनौद गाँव से हर साल आता है।
मैं डी काम राजू अध्यक्ष हिंद दुर्गा जन जागृति उत्सव समिति श्री राम चौक मैदान कुर्जी पार भिलाई। और वही साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के नेतृत्व में दुर्ग पुलिस ने अपने सभी वाहनों पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 का स्टिकर लगाकर लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का अनूठा प्रयास किया है। और इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी पहुंचाना और उन्हें साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करना है। और इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत स्वयं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने की है, जिन्होंने अपनी शासकीय कार पर 1930 हेल्पलाइन का स्टिकर चिपकाकर इसे आम जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया। और इसके बाद दुर्ग पुलिस के सभी वाहनों पर इस स्टिकर को लगाया गया है ताकि आम जनता साइबर अपराधों की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर दे सके और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सके। अपील है कि साइबर क्राइम से बचें, आप किसी भी प्रकार के डर या लालच में ना आएं, अननोन नंबर्स से आप अगर वीडियो कॉल स्पेशली होता है तो उसको ना उठाएं, केवल अपने परिचित लोगों से ही वीडियो कॉल करें। और अगर आपको कोई भी आदमी आपको महसूस होता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करें। और अपने जो सीक्रेट जानकारी है, स्पेशली आपकी फाइनेंशियल जानकारी, उसकी अननोन लोगों से शेयर ना करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि साइबर जागरूकता पखवाड़ा हमारे यहाँ इस दुर्ग जिले में और पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के आदेश से चल रहा है, तो इसमें तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर जितनी भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, सब पर हम एक स्टिकर चिपका रहे हैं जिसका नंबर, जिसमें के 1930 जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग का जो टोल फ्री नंबर है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से यही निवेदन है कि कृपया 1930 जो नंबर है इसको अपने दिल में उतारें। अगर आपको कहीं भी कभी भी साइबर क्राइम के आप शिकार होते हैं, जहां आपको साइबर क्राइम होने की आशंका लगती है, तो 1930 पर रिपोर्ट करें। आपकी शिकायत वहां तत्काल दर्ज की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके साथ जो फ्रॉड अगर हुआ है तो उसका पैसा आपको वापस तत्काल दिलाया जा सके। 1930 में कॉल करने के बाद सर कितना समय मिल जाता है? देखिए, हमारा उद्देश्य यह है कि साइबर फ्रॉड किसी के साथ ना हो। अगर हो जाता है तो इमीडिएटली इस पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पैसा है, जो कि बैंक अकाउंट से आपके कहीं जाना है, तो वो रुक जाएगा और वो राशि आपको वापस हो जाएगी। सर, ठगी के लिए जो कॉल आते हैं क्या उसकी भी शिकायत की जा सकती है? बिल्कुल, साइबर क्राइम पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर जो ठगी के प्रयास हो रहे हैं लोगों द्वारा उसकी भी शिकायत उसमें की जा सकती है। इवन व्हाट्सएप के नंबर भी उसमें दर्शाए जा सकते हैं, टेलीग्राम के नंबर भी दर्शाए जा सकते हैं, या कोई फ्रॉड लिंक अगर आता है उसको भी उस पर दर्शाया जा सकता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको भविष्य में फ्रॉड होने से रोका जा सके। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जीतू पटवारी के ट्वीट पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इस पर कुछ भी कहना वो उचित नहीं समझते। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि हरियाणा ने सबको पीछे छोड़ते हुए विकास को चुना है और ये अब सभी के सामने है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। देखिए, जहां तक भारत सरकार का बात है, एक तो धर्मगुरु शंकराचार्य जी का, परम पूज्य शंकराचार्य जी की किसी बातों पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, परंतु मैं जहां तक कहूंगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासतों के संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है और पूरी गंभीरता से भारत सरकार काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा कि 137 साहू समाज के लोगों को ऐसे धाराओं में आरोपी बनाया गया जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो सकती है, तो क्या सरकार साहू समाज के इतने लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाह रही है? इस तरह का बयान दिया। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना पर इस प्रकार से राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार ने सख्त से सख्त कार्यवाही इस मामले में की है। जांच का भी निर्णय सरकार ने किया है और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, त्वरित रूप से कठोर कार्यवाहियां की है
और जांच भी संस्थित की है सरकार ने, तो जांच के आधार पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। दोषी कितना से बड़ा कोई व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सरकार कठोर कार्यवाही करेगी, ये मैं प्रदेश की जनता को सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैंने वही कहा कि भूपेश बघेल जी इस घटना पर राजनीति करना बंद करें और सरकार ने पूरी मुस्तैदी से इस मामले में कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की राजनीति करना वो बंद करें और कांग्रेस की कार्यवाहियों को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो किन उद्देश्यों से ये सब बातें कह रहे हैं। ये अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से रहेंगे सर, और कब तक ये पूरा भी हो जाएगा छत्तीसगढ़। कल देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने लगभग 900 करोड़ के 8 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। 4 जुलाई को CRF के तहत सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 4 जुलाई को हम लोगों ने 13 सड़कों का लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी साहब से बात की थी और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के बाद हमने 8 सड़कों का 9 सितंबर को 8 सड़कों के लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। 30 सितंबर की बैठक में माननीय नितिन गडकरी जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी उन 8 सड़कों की और कल उस पर उनका अनुमोदन हुआ है और ये 8 सड़कें मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि वो कौन सी 8 सड़कें हैं। नानघाट मुंगेली की सड़क 39 किलोमीटर 120 करोड़ रुपए का, बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली 43 किलोमीटर 126 करोड़ रुपए का, राजनांदगांव डोंगरगांव चौकी मोहला मानपुर रोड 96 किलोमीटर 290 करोड़ रुपए का, और बागबहार कोतबा रोड 2 लेन सड़क 13.50 किलोमीटर 40 करोड़ रुपए, और इसी तरह से सिरगिट्टी सरवानी पासीद अमलडीहा बरतोरी दगोरी रोड 32 किलोमीटर 85 करोड़ रुपए, और लुडेग टेकपारा लवाकेरा रोड 41 किलोमीटर 118 करोड़ रुपए। इसी तरह से अपग्रेडेशन और BT स्ट्रेंथनिंग रोड जसपुर कुसमी रोड 28 किलोमीटर 35 करोड़ रुपए का, और राजनांदगांव कवर्धा पौनी रोड 30 किलोमीटर 90 करोड़। इस तरह से 907 करोड़ के ये प्रोजेक्ट थे जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रदान की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का ये लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के पहल पर छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगभग 900 करोड़ रुपए के 8 सड़कों का उपहार नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मिला है। छत्तीसगढ़ की 3
करोड़ जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए कांग्रेस के हालात क्या है ये सबके सामने है, किस प्रकार से आपस में झगड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से आज दुर्दशा हो रखी है कांग्रेस का, किस प्रकार से नेतृत्व को लेकर झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को निष्ठा दिखाने का काम चल रहा है, तो ये कांग्रेस में चल रहा है और प्रदेश की जनता मजा ले रही है। ये शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद कल पहुंचे दक्षिण बस्तर में खोला जाएगा, तो एक विकास का क्या नया पैमाना है और अंदर तक घुसेगी सरकार? देखिए सरकार ने बार बार अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हौसला बढ़ा। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।